शेयर ट्वीट कर रहा है। आज के मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, किरण जाधव है हमारे साथ प्रिसीजी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज से। किरण गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं एक व्यू मार्केट पर लेना चाहती हूँ। 120 अंक नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 100 अंकों से ज्यादा की वीकनेस है। अभी कोई स्ट्रेटेजी निफ्टी पर प्लान करनी चाहिए ट्रेडर्स को, या फिर आप प्योरली अवॉइड करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह देंगे? दीपक जी, बेसिक निफ्टी का स्ट्रक्चर तो वीक ही है, मीडियम टर्म चार्ट्स बेरिश है, पर हमने पिछले दो दिनों से एक अच्छी पुलबैक देखी थी जो कि लाजमी थी, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हमने देखा था। कल जो गैप से खुला था वो गैप 7700 से चालू हुआ था और करीबन 7800 का गैप था। अच्छा सपोर्ट लेवल 7760 से लेके 7700 है। आज दोपहर के बाद यानी 12:30 के बाद अगर 7700 के नीचे ही ट्रेड करते हैं तो और भी मंदी हो सकती है, और मेरा टारगेट करीबन 7640 इन रेंजेस के तरफ हो जाएगा आज के लिए दूसरे सत्र में। तो बैंकिंग सेक्टर है वो जो है वीकनेस दिखा रहा है। 16,300 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि आज सवेरे गैप से ही नीचे खुला है, तो डेरिवेटिव डेटा भी यही कहता है कि बेसिकली अगर 16,300 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो वापस एक बार 16,000 और उसके नीचे भी चला जा सकता है, तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा नीचे जाने के लिए। जी, तो वीकनेस बनी रह सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना सही है मौजूदा मार्केट में। कौन से